Hello students, how are you all? I hope you are safe and sound at your home. Today we are going to take chapter number 5, the land of ice and snow, Greenland. As already said that some syllabus has been deducted and we are going to take only those chapters that are going to be helpful. So this chapter is one of the important chapters and we are going to take this one, the land of ice and snow, which is Greenland. We are going to read about Greenland today, okay? Firstly, we should see here polar regions. The regions around poles are covered with snow. As you can see here in the diagram, the North Pole and the South Pole, Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. I would like to tell you this thing that Greenland is situated somewhere here in the Northern Hemisphere. आप अपनी book में, अपने chapter में अगर आप diagram देखेंगे, उसमें picture दिया हुआ है, Northern Pole में यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, ठीक है? And this whole portion, Arctic Ocean is here in the North Pole and Antarctic continent is here in the Southern Poles, ठीक है? And both of these regions remain cold throughout the year. 12 महीने ये दोनों areas पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है? और ये सारा area हमेशा ठंडा रहता है. और ग्रीनलैंड भी जो है वो यहीं सिचुएटेड है. ऑलराइट, तो ग्रीनलैंड जो है इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड हियर. हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ये एंड इट इज़ लोकेटेड हियर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, देन लेट अस रीड अबाउट द लोकेशन. ग्रीनलैंड इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क. ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क कंट्री का एक मेंबर है एंड न्यू इज़ द कैपिटल. उसकी कैपिटल सिटी क्या है? न्यू. राइट नाउ आई टोल्ड यू हियर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक रीजन के पास ये है और न्यूक जो है वो उसकी कैपिटल है. इसके अलावा जो उसकी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नियरेस्ट कंट्रीज़ आर आइसलैंड एंड कैनेडा. ये दोनों कंट्रीज़ भी काफ़ी हद तक जो है ठंडे एरिया में होने की वजह से बर्फ़ से ढकी रहती हैं. तो दीज आर द नियरेस्ट कंट्रीज़, आइसलैंड एंड कैनेडा. ऑल टाउन्स एंड सेटलमेंट्स आर सिचुएटेड अलॉन्ग आइस फ्री कोस्ट. अब बर्फीला इलाका है तो बर्फीले इलाके में जनजीवन होना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग इस तरीके की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, वहाँ के हैबिचुअल हैं वो. लेकिन जितने भी लोग रहते हैं दे आर सिचुएटेड अलॉन्ग अन आइस फ्री कोस्ट. आइस फ्री कोस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ होगी तो उनके लिए वहाँ पर रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगी, ठीक है, उनके फेवर में नहीं रहेंगी. इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन वहाँ है वो आइस फ्री कोस्ट में रहती है. पॉपुलेशन मेनली इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट. जो उसका वेस्टर्न कोस्ट है उस तरफ जो है बर्फ़ थोड़ी कम होती है, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो ग्रीनलैंड में हमें दिखेगी वो इसी तरह दिखेगी. एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क, विश्व का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर सिचुएटेड है. नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, वो भी कहाँ सिचुएटेड है? ग्रीनलैंड में, ठीक है. तो ग्रीनलैंड कहाँ है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. न्यूक उसकी कैपिटल है, ठीक है, और आइसलैंड एंड कैनेडा उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और नॉर्दर्न ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो है वो इसमें सिचुएटेड है. देन लेट अस रीड अबाउट द क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन इज हाउ देयर. हमने अभी रीड किया था क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, नॉर्दर्न पोलर रीजन में है, पोलर रीजन्स में हमेशा बर्फ़ रहती है, 12 महीने मौसम ठंडा रहता है, जीरो डिग्री, बिलो जीरो डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर रहता है. तो क्लाइमेट हियर इज़ कॉल्ड पोलर क्लाइमेट बिकॉज ये पोलर रीजन पर है, इसीलिए इस तरीके यहाँ किस तरीके का क्लाइमेट है? पोलर क्लाइमेट है. और पोलर क्लाइमेट कैसा होता है? ठंडा होता है, बिलो जीरो डिग्रीज, ठीक है, -20, -30, -40, -50 तक भी टेम्परेचर कई बार जाता है. विंटर्स में बर्फीली हवाएं चलती हैं, बिल्कुल कोल्ड जो विंड्स होती हैं वो 160-150 किलोमीटर्स पर आवर तक भी उनकी स्पीड हो सकती है. बर्फीले तूफान, बर्फीली हवाएं, ये सब वहाँ चलती हैं, ठीक है. तो क्लाइमेट यहाँ जो है वो पोलर क्लाइमेट कहलाता है एंड इट रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल, ऑल 12 मंथ्स आर कोल्ड, ठंडा मौसम रहता है, बर्फ जमी रहती है. दूर दूर तक अगर आप नज़र जाए आपकी तो आपको सफ़ेद चादर बिछी ऐसा लगेगा, पूरा वाइट हो जाता है. और विंटर्स जब रहते हैं वहाँ पे तो जो नदी है, जो सी जैसा है, जो समुद्र जैसा एरिया है वो भी काफ़ी हद तक जम जाता है, ऊपरी परत उसकी जम जाती है. ओके, देन
लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर सन बहुत कम समय में के लिए रहता है, तो ना तो इवेपोरेशन है ना प्रेसिपिटेशन है, तो रेनफॉल वहाँ ना के बराबर, बहुत लिटिल होती है. एंड टेम्परेचर बिलो 0 degree ऑलवेज, इट इज़ विंटर और समर, द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 degree ओवर देयर. ठीक है. एंड देर इज़ नो सन फॉर एटलीस्ट 6 months. अगर जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, पोलर रीजन होने की वजह से हमारा जो जब विंटर्स होते हैं तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, सन से दूर होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाती. और अगले 6 महीने के लिए वहाँ इस तरीके का मौसम होता है, रात तो है ही लेकिन दिन के वक्त में भी सूरज वहाँ नज़र नहीं आता. हमारे यहाँ सूरज इधर से उगा और इधर सेट हो गया, ऐसा हमको दिखता है. मिड डे सन भी हम अप्रूव करते हैं या हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पर सन ऐसे उगा और इस तरीके से आया और ऐसे ऐसे करके निकल गया, इस तरीके से दिखता है. तो वो नज़र ही नहीं आता एक तरीके से, सिर्फ उसकी जो है किरण थोड़ी बहुत नज़र आती है, जैसे सूरज डूब जाता है उसके बाद भी रोशनी सी रहती है ना, कुछ इस तरीके का वहाँ मौसम सा रहता है. तो इसीलिए वहाँ तकरीबन 6 महीने या उससे ज़्यादा वक्त में भी कई बार लोगों को सूरज देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, विंटर्स में, इन विंटर्स. एंड इसके उल्टा रिवर्स, समर्स में ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है. समर्स में क्या होता है, वो सूरज की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है नॉर्थ पोल, तो सूरज भी जो है 24 घंटे रहता है वहाँ पर, दिन में भी रात के वक्त भी जो है भले ही सूरज डूब जाए लेकिन वो जो शाम का सा समय होता है वो चांदना सा रहता ही है वहाँ पर. ठीक है, तो वहाँ पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात, इस तरीके का मौसम वहाँ होता है. ओके देन, लेकिन समर्स में भी जैसा मैंने कहा जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 degree ही रहता है, बिकॉज पोलर रीजन में होने की वजह से ये इलाका पूरा साल ठंडा ही रहता है. ठीक है, थिक कवर स्नो डज नॉट अलाउ वेजिटेशन, क्योंकि जो बर्फ़ है वो कोई छोटी मात्रा में नहीं है, अच्छी मोटी परत वहाँ जमी होती है बर्फ़ की, जिससे कि जो 2-4 महीने सूरज निकलने का वक्त होता है उसमें भी उसे पूरी तरह पिघलने का मौका नहीं मिलता, थोड़ी बहुत ही पिघल पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं. कुछ महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए बर्फ़ थोड़े से इलाके में जहाँ पिघलती है वहाँ थोड़ी बहुत घास, ये जिसे हम मॉसेस या लिचेंस बोलते हैं, ज़रा बहुत आती है. अदर देन दैट वहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होता, पेड़ पौधे देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ घास या पेड़ पौधे इस तरीके की नहीं होते हैं, तो वहाँ इन्हें खाने वाले जानवर भी हमें नहीं मिलते हैं. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल, लोग कैसे हैं वहाँ के. ज़्यादातर एस्कीमोज आपको मालूम है, भारी भरकम कपड़े पहनने वाले, जिन जो ठंड से अपने आप को बचा सके, इग्लू में रहने वाले, इस तरीके के लोगों को हम एस्कीमोज कहते हैं. एस्कीमोज वहाँ के नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, जो रहने वाले वहाँ के हैं वो एस्कीमोज हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू लिव अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है नॉर्थ पोल में, 12 महीने ठंड रहता है, हमने पढ़ा है बिलो 0 degree टेम्परेचर या उससे भी नीचे डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो दे आर हैबिचुअल, उनको आदत हो गई है, वो इस तरीके के वातावरण में अपने आप को ढाल चुके हैं और वहाँ रहते हैं. ठीक है, किस तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ एनिमल फर. एनिमल्स आपने देखा है, पोलर बेयर हो गए या वॉलरसेज हो गए या सील हो गए, वो कोई कपड़े तो नहीं पहनते, लेकिन इस तरीके के मौसम में वो आसानी से रहते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको इस तरीके का स्किन दिया है कि वो इस तरीके की सर्दी को भी बर्दाश्त कर सके. तो ज़्यादातर एस्कीमोज अपने कपड़े उसी एनिमल फर से बनाते हैं ताकि उनको भी उतनी सर्दी ना लगे. हुड लाइन जैकेट्स, हुड आप लोग जैकेट्स पहनते हैं, जैकेट्स के पीछे टोपी होती है जिसे हम सर से ढक लेते हैं, उसे हुड बोलते हैं, तो वो इसी तरीके के जैकेट्स पहनते हैं जिसमें पीछे हुड होता है, ताकि उनको अगर बर्फ़ में जाके अपने लिए खाना ढूंढने या कुछ काम करने जाना है तो वो उसको कवर करके जा सकें. ठीक है, एंड लॉन्ग लेदर बूट्स, लंबे बूट्स पहनते हैं ताकि उनको फ्रॉस्ट बाइट ना हो. ठीक है, बिलो 0 degree टेम्परेचर में अगर आप ऐसे ही कॉटन क्लोथ पहन के निकल जाएंगे तो थोड़ी देर में आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और आप मर सकते हैं. तो वो अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से एनिमल फर क्लोथ्स या हुड लाइन जैकेट्स या लॉन्ग लेदर बूट्स में ढक के जाते हैं ताकि उनको फ्रॉस्ट बाइट ना हो. ठीक है, इन विंटर्स दे लिव इन इग्लूज,
इग्लूज आपको मालूम है आइस ब्लॉक से बना हुआ एक घर जिसमें आगे की तरफ एंट्रेंस होती है। आइस ब्लॉक से क्या, बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े से ही वो बना है और उससे जो है वो घेरा बना के और आगे ऐसे नोज उसकी निकली है जिसमें से वो एंटर कर सकते हैं। तो विंटर्स में वो इग्लूज में जा कर के रहते हैं, समर्स में हाँ वो टेंट्स वगैरह अपने बना लेते हैं अपने रेनडियर्स के साथ वहाँ रहते हैं। एंड स्किल्ड हंटर्स होते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हार्श एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको रहना है, इस तरीके के माहौल में रहना है, तो शिकार करने अगर जा रहे हैं तो शिकार अगर एक बार चूक जाएगा क्योंकि ऐसी जगह है तो जानवर भी वहाँ खुले में घूमते नहीं रहते हैं, शिकार के लिए जानवर चाहिए तो वो भी खुले में नहीं मिलेगा, उनको इंतज़ार करके ढूंढना पड़ेगा और वन शॉट में अगर उसको नहीं मारा तो फिर उनको खाना शायद ना मिले, ठीक है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन कुछ नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ नहीं उगा सकते, तो ज़्यादातर उन्होंने उनको मीट पर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। तो स्किल्ड हंटर होना उनको बहुत ज़रूरी है कि जब निशाना लगाएं तो वो ऑन द स्पॉट लगे। वो हार्पून एज अ वेपन में यूज़ करते हैं, हार्पून एक बड़ा सा भाला होता है जिसके आगे पॉइंटेड नोट लगी होती है और उससे वो उसको मारते हैं, उससे वो सील या फिश इनको हंट करने के लिए हार्पून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन दे यूज स्लेजेस पुल्ड बाय हस्कीज फॉर ट्रांसपोर्ट, स्लेजेस बड़ी सी एक लकड़ी का स्लेज जैसे बना, जैसे सांता क्लॉज का स्लेज होता है ना इस तरीके का, और आगे से उसको जो है हस्कीज खींचते हैं। हस्कीज कौन होते हैं, वुल्फ लाइक डॉग्स, ठीक है, ऐसे डॉग्स जो कि वुल्फ की तरह दिखते हैं और 10-12 डॉग्स को वो लगा देते हैं और उसके बाद उसको अपनी स्लेज से कनेक्ट कर देते हैं और फिर वो अपने आप को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सामान ले जाना या खुद जाना, ठीक है। तो जो पीपल हैं ग्रीनलैंड के जो पीपल हैं उनकी ज़्यादातर जो लाइफ है वो एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड है, अगर क्लोदिंग देख लो वो एनिमल फर पहनते हैं, ठीक है, उनको क्लोदिंग के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हस्कीज एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको फूड के लिए वो सील फिश हंट करते हैं तो उनको तब भी एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी जो पीपल वहाँ के रहते हैं उनकी ज़्यादातर लाइफ जो है वो एनिमल्स के अराउंड ही डिपेंड है बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल फॉर देम, ओके। देन नेक्स्ट देखिए चेंजिंग लाइफ स्टाइल, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये अभी की बात नहीं है, पहले ज़माने से ऐसा होता जा रहा है लेकिन धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है जिसका फ़ायदा हम भी उठा रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आज ही देख लीजिए, आज आप स्कूल में मौजूद नहीं हैं कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन हमसे क्लास ले रहे हैं, ये भी तो टेक्नोलॉजी है ना, जिसका फ़ायदा ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था लेकिन आज हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो लोग भी यहाँ पर जो है उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है, धीरे धीरे वो इन मेथड्स को और मॉडर्नाइज करके उनको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी हैव शिफ्टेड टू टाउन स्टार्टेड लिविंग इन वुडन हाउसेज, धीरे धीरे क्योंकि वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं तो लोगों अपने आप को जो है बिल्कुल आइस कोल्ड या आइस फ्री एरियाज़ की बजाय अपने आप को टाउन्स में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ टाउन्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो इसके अलावा वो अपने आप को इग्लूज़ की बजाय वुडन हाउसेज में या गर्मियों में जो वो टेंट में रहते हैं उसको चेंज करके वुडन हाउसेज उन्होंने बना लिए हैं। देन हंटिंग के लिए अब वो हार्पून के बजाय राइफल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका शॉट या निशाना ठीक रहे। फिर अगर जैसे ये नदी पिघलती है थोड़ी और उनको फ़िशिंग के लिए थोड़ा बहुत जाना है तो पहले वो कायाक छोटी सी बोट होती है जिसमें एक व्यक्ति बैठ के चला ले और जा सके, वैसे यूज़ करते थे, आज वो मोटर बोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको फ़िशिंग के लिए जाना है तो, ठीक है। मोटराइज स्लेजेस का यूज़ करते हैं, आपने टीवीज में भी देखा होगा जैसे हम स्नो स्कूटर बोलते हैं, राइट, वो अपना डीजल डाल के और उसको ऑन करा और स्नो स्कूटर से उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, एनिमल्स को भी उनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता तो और ये उनके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत उनको मदद करता है, ठीक है। तो मोटराइज स्लेजेस जिन्हें हम स्नो स्कूटर कहते हैं आजकल वहां इनका भी इस्तेमाल होने लगा है। देन क्योंकि वहां डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स जो भी टाउन्स डेवलप हो रहे हैं उनमें ये फैसिलिटीज उनके लिए धीरे धीरे प्रोवाइड की जा रही हैं। यही नहीं, ग्रीनलैंड ने अपने आप को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी कनेक्ट किया है थ्रू एयर सर्विसेज, अब वहाँ पर जो है बर्फ हटा के एयरपोर्ट भी बनाया गया है और वो जो है अपने आप को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से एयर सर्विसेज से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट भी किया है ताकि लोग ना केवल ग्रीनलैंड में ही रह सके बल्कि वहाँ से बाहर निकल के काम करने जाना चाहते हैं या कुछ लेने जाना चाहते हैं कुछ भी है तो वो दूसरी कनेक्टिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जा सके थ्रू एयर सर्विसेज, ओके। देन
कल्चर एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, हर जगह का अपना कल्चर होता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर डिसेंडेंट्स ऑफ एस्किमोज़। देखिए ज़्यादातर जो है हमारा एंसेस्टर्स जो होते हैं हम उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, राइट। हम अपने जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, कुछ भी हम गेम्स खेलते हैं, कुछ भी है, तो हम लोग अपने जितने भी हम, अब अंताक्षरी है, अंताक्षरी आप आज खेलते हैं तो क्या हमने कभी नहीं खेली होगी, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं खेली होगी, हमने भी उन्हीं से सीखा। हाँ, उसमें थोड़े से चेंज हो गए हैं, आजकल आप डमशराज खेल लेते हैं, मॉडर्न टेक्निक हो गई उसकी, लेकिन है तो वही चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही जो कल्चर और स्पोर्ट्स है वो उसमें भी काफ़ी चेंज आया है, भले ही वो डिसेंडेंट्स ऑफ एस्किमोज हों, लेकिन वो अपनी लाइफ में अभी भी आइस फिशिंग या एनुअल स्लेजिंग जिसे कहते हैं, आइस फिशिंग के लिए जाते हैं, बर्फ में मछली ढूंढने का जो उनका स्पोर्ट्स रहता है, या एनुअल स्लेजिंग कॉम्पिटिशन होता है, कौन जो है स्लेज करके सबसे पहले रेस करेगा, ये सारे स्पोर्ट्स अभी भी वहाँ खेले जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फिशिंग जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मॉडर्न फिशिंग से। लोग जो हैं पुराने ज़माने में हार्पून के ज़रिए या किसी तरीके से फिश करते थे, आजकल जो है वो मॉडर्न फिशिंग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है वो अपने स्पोर्ट्स और कल्चर को बरकरार रखे हुए, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। आपने अभी पोलर रीजन्स के बारे में, कहाँ ये सिचुएटेड है, लोग लोकेशन किस तरीके का है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैसा है, लोग कैसे हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को वो चेंज कर रहे हैं आने वाले समय में, कौन कौन से स्पोर्ट्स और किन चीज़ों को वो बरकरार रखा है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। एक बार प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर थरली, लुक एट द मैप विच इज़ गिवन टू यू इन योर बुक प्रॉपरली, सो दैट यू विल बी एबल टू लोकेट ग्रीन लैंड इन दैट डायग्राम, ओके। सो दिस इज़ द चैप्टर, वी विल कंटिन्यू विद अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।